नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी की एक बहुत ही अच्छी क्लास, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मुहावरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला मुहावरा देखते हैं, आँखें चार होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा मिलना अथवा प्रेम हो जाना। देखते हैं अगला मुहावरा। तो अगला मुहावरा है आँखों में खटकना। इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। देखिए ये क्लास आपको साथ साथ लिखनी जरूर है, क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन है मुहावरों का, तो साथ ही साथ लिख लीजिए, जिससे कि आपको पेपर टाइम रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला मुहावरा है आँखों में गढ़ना। तो आँखों में गढ़ना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय लगना, या कभी कभी लिख के देते हैं भूलना पाना। तो दोनों अर्थ होते हैं इसके। अब देखते हैं अगला मुहावरा, लिखते जरूर चलिएगा साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को एक बार अभी रिवाइज हो जाए, एक बार परीक्षा के टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है डपोर शंख। तो डपोर शंख का मतलब हो जाएगा बड़ा मूर्ख। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला मुहावरा है अक्ल का पुतला। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होंगे, लेकिन इसका अर्थ यही होता है, अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान। अब देखते हैं अगला मुहावरा। तो अगला है अक्ल का दुश्मन। तो इसका अर्थ हो जाएगा निरा मूर्ख या बहुत मूर्ख। तो ये सब आपने लिख लिए होंगे। अब देखते हैं अगला मुहावरा। तो अगला मुहावरा है द्रौपदी की साड़ी या शैतान की आँख। दोनों आते हैं, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु या कभी ना समाप्त होने वाली वस्तु। दोनों में से जो भी आएगा आप लोग लगा देंगे। जो पॉइंट अलग से बताता हूँ वो भी लिख लिया कीजिए। और अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला मुहावरा है कान भरना। तो इसका अर्थ हो जाएगा चुगली करना। तो अब देखते हैं अगला मुहावरा। तो अगला है कान फूंकना, और इसका अर्थ हो जाएगा गुरु मंत्र देना। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रहे होंगे। देखिए नया चैनल है, तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, आपका चैनल है, हर व्यक्ति 10-5 लोगों को शेयर करे, जोड़े, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है पौ बारह होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा खूब लाभ होना अथवा आनंद में होना। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है बछिया का ताऊ होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा निरा मूर्ख या बहुत ज्यादा मूर्ख। अब देखते हैं अगला मुहावरा। तो अगला है कान काटना। तो इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों से चतुर होना। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है अंक भरना। तो इसका अर्थ हो जाएगा गले लगाना अथवा आलिंगन करना। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है जूतम पैजार होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है खेत रहना। तो इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध में शहीद हो जाना। अब देखते हैं अगला मुहावरा। अगला है घड़ों पानी पड़ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत लज्जित होना। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम मुहावरा। तो अगला है नाक का बाल होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय होना। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। आपका अपना चैनल है, एक बच्चा 10-15 लोगों को भी जोड़ेगा तो ये चैनल अच्छा हो जाएगा।
मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं जो ना समझ में आया हो, और शेयर ज़रूर कर दें सबके पास। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों से भी करवाएँ। थैंक यू।